हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं। हरियाणा में जितनी भी योजनाएं आज तक स्टार्ट हुई हैं, आज हम वो सारी योजनाएं डिस्कस करने वाले हैं। उनका क्या उद्देश्य था, किसने वो शुरू की और कौन सी तारीख को वो स्टार्ट हुई थी, तो ये आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारी योजनाएं कवर कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना की अगर बात करें तो इसके जो आरंभ है वो 25 सितंबर 2002 को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो जनसंख्या को नियंत्रित करना, लड़के एवं लड़कियों के भेदभाव को समाप्त करना था और घटते स्त्री पुरुष के अनुपात को संतुलित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर देखो देवी रक्षक योजना। देवी रक्षक योजना की जो स्टार्टिंग है वो की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। और इस योजना के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी, या शरीर के 2 अंगों को खराब हो जाते हैं तो उसको 50,000 की राशि दी जाएगी, या 1 अंग खराब हो जाता है तो उसे 25,000 रुपए की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। तो ये देवी रक्षक योजना और देवी रूपक योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहां पर देखो स्वास्थ्य आपके द्वार योजना। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना की जो स्टार्टिंग है वो 1 नवंबर 2003 को प्रारंभ हुई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहां पर देखो वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में जांच की जाएगी स्त्री रोग विशेषज्ञ संगठन के द्वारा। तो वंदे मातरम योजना की जो शुरुआत है वो 9 फरवरी 2004 को की गई। नेक्स्ट योजना क्या है यहाँ पर, लाडली योजना। लाडली योजना की जो स्टार्टिंग है वो की गई थी आपको 15 अगस्त 2005 को। और किसने इसकी शुरुआत की थी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या तथा घटते हुए लिंगानुपात को रोकना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यह योजना उन अभिभावकों के लिए शुरू की गई जिनकी 2 कन्याएं थी। तो लाडली योजना की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 2005 को की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर है बेरोजगार भत्ता योजना। बेरोजगार भत्ता योजना की जो स्टार्टिंग है वो 1 नवंबर 2004 को शुरू की गई और 1 नवंबर 2088 में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें 10वीं पास को 50 रुपये, 12वीं पास को 75 रुपये और ग्रेजुएट को 100 रुपये प्रति माह दिए गए, शुरू किए गए थे। और 1 नवंबर 2004 को इस योजना में बदलाव किया गया जिसके तहत 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को 100 रुपये और ग्रेजुएट को 200 रुपये। और 2008 की योजना के द्वारा इसे द्वारा अपडेट किया गया और उनकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई। तो बेसिकली बेरोजगार भत्ता योजना जो बेरोजगारी युवा हैं उनके लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहां पर देखो अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी अंक प्रतिशत के आधार पर 9वीं से ग्रेजुएशन लेवल तक की कक्षाओं तक 4 से 12 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान था। पिछड़े वर्ग के लिए यह योजना 10वीं कक्षा के छात्रों हेतु तो उपलब्ध थी और इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2005 को की गई। नेक्स्ट योजना यहां पर आप देख सकते हो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इसके तहत ये जो ये योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2006 को राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। और ये योजना केवल ऐसे माता पिता के लिए थी जिनकी संतान केवल लड़कियां हैं, उनको ही इस योजना का लाभ मिल सकता था। और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1200 रुपये प्रतिमाह भत्ता माता पिता के 45वें जन्मदिन से लेकर 60वें जन्मदिन तक प्रदान किया जाता था। और 60 के बाद तो उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना दिया प्रदान किया जाता था। तो लाडली सामाजिक भत्ता योजना आपको आप देख सकते हो 1 जनवरी 2006 से स्टार्टिंग की गई और ये उन माता पिताओं के लिए थी जिनकी केवल 2 लड़कियां हैं, केवल संतानें लड़कियां ही हैं। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो मनरेगा। मनरेगा का जो रूप है, संक्षिप्त रूप है, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना को हरियाणा में 3 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण में आप देख सकते हो, प्रथम चरण में
यह योजना 2 फरवरी 2006 को सिर्फ 2 जिलों में ही लागू की गई, और द्वितीय योजना में अप्रैल 2007 में मेवात और अम्बाला में लागू की गई, और तृतीय योजना में यह 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण हरियाणा में लागू की गई। तो ये पूछ सकता है भाई, एक संपूर्ण हरियाणा में कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण हरियाणा में लागू की गई। नेक्स्ट योजना यहाँ पर है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। राजीव गांधी बीमा परिवार योजना की जो स्टार्टिंग है वो 1 अप्रैल 2006 को प्रारंभ हुई, और इस योजना में 18 से 60 वर्ष के आयु के सभी व्यक्ति जिनकी अप्राकृतिक मौत या अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में राज्य सरकार 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, या व्यक्ति के शरीर के 2 अंग अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो 50,000 रुपये, दुर्घटना में 1 अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो 25,000 रुपये। जैसे कि आपकी पहली योजना थी देवी रक्षक योजना, तो उसके अकॉर्डिंग ही राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की स्टार्टिंग की गई। नेक्स्ट योजना यहाँ पर देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा प्रदेश की सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत सभी सांसदों ने एक एक गांव अपना गोद लिया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में गांधी जी के स्वराज मिशन के फलीभूत 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखना है, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो स्टार्टिंग है वो 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई, और इस योजना के तहत संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से एक गांव गोद लेकर उसे विकसित करना था। नेक्स्ट यहां पर देखो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। 1 नवंबर 2014 से पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा इस प्रदेश प्रदेश में इसे सबसे पहले हरियाणा फरीदाबाद में इसे शुरू किया गया, और हरियाणा के सभी जिलों में स्वच्छ सप्ताह कार्यक्रम 1 नवंबर 2014 को कराया गया। भारत में इस अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो हरियाणा में जो शुरुआत हुई 1 नवंबर 2014 को, और भारत में जो शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को, तो दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर सीएम विंडो की जो स्टार्टिंग है वो कब की गई? तो सीएम विंडो की स्टार्टिंग की गई थी आपकी 25 दिसंबर 2014 से। इसमें क्या था, आप जो भी शिकायत थी आपकी वो सीएम विंडो काउंटर पर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, और फिर वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। तो इसकी जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2014 को यह लागू की गई। नेक्स्ट योजना यहाँ पर आप देख सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। तो इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में की गई, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो लिंग अनुपात को सुधारना था, और इस योजना की जो प्रथम ब्रांड एम्बेसडर बनी थी माधुरी दीक्षित, और द्वितीय बनी थी हमारी परिणीति चोपड़ा। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, शुरुआत कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसने की इसकी शुरुआत? नरेंद्र मोदी ने। क्यों की? लिंग अनुपात को सुधारने के लिए। प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन था? माधुरी दीक्षित। द्वितीय कौन थी? परिणीति चोपड़ा। और इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। साक्षी मलिक को भी इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था बाद में। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में हुई, और इसके अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और इस योजना को लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की 10 वर्ष की आयु में पहले अकाउंट खुलवाना था, और आपको अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए उसमें सबमिट कराने थे, और फिर आपको ब्याज मिलता, और आपको छोटी रकम के बदले में आपको केंद्र सरकार बड़ी बचत दे सकती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की जो शुरुआत है 2015 में हुई, और इस योजना का जो पुराना नाम था वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना था, जिसे 2005 में शुरू किया गया था। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है इस योजना का लाभ दिया गया था उन्हें, और लड़कियों की शादी पर उन्हें 11,000 से लेकर 51,000 की धनराशि शगुन के तौर पर इस योजना के अंतर्गत दी जाती थी। तो इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 11,000 से लेकर 51,000 की राशि, और कब शुरुआत हुई? 2015 में। नेक्स्ट योजना आप देख सकते हो हमारी बात हमारी बेटी हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना।
इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 को हुई और राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में समानता लाना था। और इसमें क्या था, अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार के प्रथम कन्या के जन्म पर 21,000 रुपये की धनराशि बैंक में जमा कराई जाती थी, और द्वितीय के कन्या के जन्म पर सभी वर्गों को इस योजना का लाभ दिया जाता था। जो भी जनरल थे उनको भी द्वितीय कन्या के जन्म पर यह लाभ दिया जाता था। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो हरियाणा कन्या कोष योजना। हरियाणा कन्या कोष योजना की जो शुरुआत है वो 8 मार्च 2015 को की गई। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इस योजना की जो शुरुआत है 8 मार्च 2015 को की गई। नेक्स्ट योजना है यहाँ पर गो संरक्षण एवं गो संवर्धन विधेयक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुरुआत हुई 16 मार्च 2015 को। गो हत्या में कम से कम 3 वर्ष की कैद और अधिकतम सजा 10 वर्ष कैद। 3 वर्ष कैद के साथ आपको 3,000 रुपये का जुर्माना अगर आप गो हत्या करते हो। तो इस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को की गई, और इसकी जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2015 को। तो शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को, प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2015 से। इसमें क्या था, 7 रोगों के लिए 7 टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ पर लागू किया गया। तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस और खसरा, ये 7 रोग थे। इसके लिए 7 टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया गया, और इस मिशन के अंतर्गत पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2020 तक। तो इस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट योजना है आपकी थारी पेंशन थारे पास योजना। 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की। तो ध्यान रखना है, थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई, और इस योजना के तहत जितने भी कैंडिडेट्स को पेंशन मिल रही थी उनका उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक में पहुंचने लगी थी। तो इस योजना का लाभ जो भी उठा रहे थे उनकी जो पेंशन है वो सीधे बैंक में पहुंचने लगी थी। नेक्स्ट यहां पर देखो, मारा गांव जगमग गांव, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र के दयापुर गांव से हुई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। ऑपरेशन मुस्कान मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई, और इस योजना की जो शुरुआत है का जो मुख्य उद्देश्य था गुमशुदा या लापता बच्चों का पता लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑपरेशन मुस्कान कब आरंभ हुआ और मारा गांव जगमग योजना की शुरुआत कब हुई। नेक्स्ट यहां पर देखो, हर घर हरियाली योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो पौधारोपण को बढ़ाना था, और इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2015 को की गई, और इस योजना में को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है मुख्य गांव के विकास को जारी होने वाली ग्रांट का सही सदुपयोग करना था। नेक्स्ट योजना है स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है वो 6 जुलाई 2015 को हुई, और ये शुरुआत भिवानी के सुई गांव से हुई थी। और इसमें क्या था, इस गांव के मूल निवासी व प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ किशन जिंदल के परिवार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 15 करोड़ की राशि इस विकास कार्य में दी गई। नेक्स्ट यहां पर देखो, हरियाणा विकास मिशन योजना। हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना की जो शुरुआत है वो 14 जुलाई 2015 को की गई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था युवाओं को सुदृढ़ बनाना और युवाओं के सहयोग में हरियाणा का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, और इस योजना की जो शुरुआत है 14 जुलाई 2015 को की गई। नेक्स्ट, हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आपको इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, ऊंट के लिए 100 रुपये बीमा प्रीमियम पर 3 साल की अवधि के लिए कवर किया जाना था, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 29 जुलाई 2016 को हुई थी।
नेक्स्ट सलामती योजना, सलामती योजना की जो शुरुआत है वो 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ से इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था वो गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना था। इस योजना के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसमें सरकार द्वारा गर्भ निरोधक इंजेक्शन का आरंभ किया गया। और यहाँ पर इस योजना से पहले 4 जिले पलवल, मेवात, रेवाड़ी और फरीदाबाद में पायलट परियोजना के तौर पर लागू किया गया था। नेक्स्ट योजना यहाँ पर है सक्षम योजना। सक्षम योजना की जो शुरुआत है वो प्रदेश में 1 नवंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना था। और यहाँ पर विभिन्न विभाग जो हरियाणा में प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम इन युवाओं को देना था। और इन युवाओं को 6,000 से और 6,000 तक कम की पेमेंट इनको देनी थी और 3,000 इनको अतिरिक्त भत्ता, यानी कि इस योजना के तहत युवाओं को 9,000 रुपये मिलते थे। इस योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को की गई। नेक्स्ट योजना हरियाणा तीर्थ दर्शन योजना, अप्रैल 2017 से इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना में जो गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको तीर्थ दर्शन कराए गए। और इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को शुरू की गई। और इसमें 400 से ज्यादा स्थानों को का गंतव्यों का दौरा किया गया और जो भी गरीब परिवार थे उनको तीर्थ दर्शन कराए जाने थे इस योजना के तहत, जिसमें कि 30% तो आवेदक जो भी जा रहा है वो उस खर्च को वहन करेगा और 70% सरकार उसका खर्च देगी। नेक्स्ट है सखी संवर्धन स्टॉप केंद्रालय। तो इसमें क्या था, इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में इसकी शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं थी उनकी काउंसलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑपरेशन दुर्गा। ऑपरेशन दुर्गा की जो शुरुआत है वो 13 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई। और यहाँ पर ये जो शुरुआत है ये यूपी के एंटी डोमी स्क्वाड की तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था, इसका जो उद्देश्य था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर योजना है, नेक्स्ट योजना है भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इसमें जो विभिन्न आपदाओं के कारण जो फसलें खराब हो जाती थी उनके नुकसान से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट योजना यहाँ पर क्या है, पशु किसान क्रेडिट योजना। पशु किसान क्रेडिट योजना की जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है 6 दिसंबर 2019 को भिवानी जिले से इसकी शुरुआत की गई। और इसमें क्या था, मार्च 2021 तक 10 लाख पशुओं का किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। और इसका जो उद्घाटन है किसान एवं पशु मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने भिवानी जिले से इस योजना का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर पूछ सकता है भाई इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट योजना इम्पोर्टेंट है, हर सिर हेलमेट योजना। हर सिर हेलमेट योजना की जो शुरुआत है इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2020 से की गई। और इसमें क्या किया गया, इस योजना में हेलमेट वितरण किए गए ताकि जो जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं वो बच सकें, एक्सीडेंट से बच सकें और उन्हें जागरूक किया गया। नेक्स्ट योजना है महिला एवं किशोरी सम्मान। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की जो शुरुआत है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना का जो शुरुआत की गई वो महिला एवं विकास बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और इसमें क्या था, आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्कूल के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन को गरीबी रेखा से जितनी भी नीचे महिलाएं थीं उन्हें नैपकिन, सैनिटरी पैड्स आदि उपलब्ध कराए गए। नेक्स्ट योजना है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसमें जिस परिवार की जो वार्षिक आय है 2 लाख से कम है या जिसके तहत 60 वर्षों या उससे अधिक के उम्र को शामिल किया गया। और इसमें जो प्रत्येक महीने में 7 तारीख को नियमित रूप से पेंशन देने वाला पहला राज्य बना है। तो वृद्धों को जो पेंशन दी जाने लगी इस भत्ता योजना के तहत। नेक्स्ट
यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की जो शुरुआत है वो अगस्त 2019 से की गई और इसके तहत योग्य परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि दी गई और इस योजना के तहत 13.551 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरी पानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 6 मई 2020 को शुरू की गई और इस योजना के तहत राज्य के लोगों को धान की खेती छोड़ देने के लिए और उन्हें उनको प्रोत्साहन राशि दी गई ताकि वो धान की जो खेती है वो छोड़ दें। और क्योंकि जो भूस्थल है वो राज्य का जो भूस्थल है वो नीचे होता हुआ जा रहा है तो धान की खेती को छोड़ने का प्रोत्साहन इस योजना के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट योजना है हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के तहत ही इस योजना की जो शुरुआत है वो 4 अगस्त 2020 को पंचकुला से की गई। यह योजना सभी नागरिकों को 8 अंकों का पहचान पत्र जारी किया गया और जिसमें एक सभी योजनाएं एक ही पहचान पत्र से मिलेगा। तो इस हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जो शुरुआत है वो 4 अगस्त 2020 को की गई। अंत नेक्स्ट योजना आप देख रहे हो अंतरजातीय विवाह योजना। अंतरजातीय विवाह योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो जात पात के भेदभाव को खत्म करना था। अगर कोई गैर अनुसूचित जाति के लड़का लड़की एक दूसरे से विवाह करते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेक्स्ट योजना है हरियाणा में संजीवनी परियोजना की शुरुआत जो हुई थी वो 25 मई 2021 को हुई और इसमें वर्चुअल होम केयर पहले संजीवी योजना की शुरुआत की गई। इसका जो उद्देश्य था COVID-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों पर घर पर स्वास्थ्य सेवा तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने में इसकी मदद की जाती थी। नेक्स्ट है Dial 112 सेवा। इसकी जो शुरुआत है वो 12 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई और इसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान की जाएगी और पुलिस फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी सभी सेवाएं आपको एक ही नंबर पर मिल जाएंगी। 112 पर आपको सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। नेक्स्ट है हरिहर योजना। 8 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत अनाथ व लावारिस बच्चों की पढ़ाई व नौकरी हेतु ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है उनको संरक्षण वे आश्रय देना इस योजना का लाभकारी उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है हिफाजत योजना। हिफाजत योजना की जो शुरुआत है वो 25 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में नाबालिग बच्चों के जो यौन शोषण को बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत हरियाणा पुलिस से बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है माइक्रो इरिगेशन योजना। माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पानी की बचत करना और इस योजना की शुरुआत भिवानी महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले से शुरू की गई। समर्पण अभियान शुरुआत की गई 17 दिसंबर 2021 से जनता को निस्वार्थ सेवा भाव पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट योजना है हर हित स्टोर योजना। हर हित स्टोर योजना की जो शुरुआत है 2 अगस्त 2021 से हुई और इस योजना के तहत हरियाणा में 2,000 रिटेल स्टोर खोले गए। इस योजना में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों को चाहने वाली चीजों को ग्राहक तक उचित रेट तक पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों अभी तक हमने 2002 से लेकर 2021 तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चली थी वो सभी कवर कर ली हैं और भी अगर जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी आने वाली हैं या जो चल रही हैं उनके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। और जो ये योजनाएं हैं ये हरियाणा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप इन योजनाओं को याद कर लें और ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।